पनीर आप तो बहुत खाए होंगे, होटल ढाबा एक बार मेरे तरीके से आप बनाइए घर पे, आप होटल ढाबा जाना भूल जाएंगे, बार बार इसी रेसिपी से बनाएंगे और बच्चे तो उंगलियां चाट चाट के। कैसे बना है परफेक्ट पालक पनीर? पालक देख के समझ में आ रहा होगा कि पालक की कोई रेसिपी बनने वाली है। तो जी हाँ, सर्दी में पालक बहुत अच्छे मिलने लगते हैं, तो हमने ले लिया है एक गड्डी पालक और इसे कट करके सबसे पहले पालक को हम छाटते हैं, क्योंकि पालक में बहुत ज्यादा गंदगी होती है, तो पालक छाटना सबसे ये चीज हम रेसिपी बनाने से पहले पालक को सबसे पहले छाटते हैं। तो पालक को हम फटाफट छाट लेते हैं। हमने पालक को इस तरीके से छाटा है, और कभी भी पालक लेते समय बहुत ज्यादा बड़े पत्ते मत लीजिएगा, पालक इस तरीके के सॉफ्ट चुनिएगा जिससे परफेक्ट बनेगा। और जी हाँ, मैं यहाँ पे बनाऊंगी पालक पनीर, पालक की सब्जी नहीं बना रही हूँ, पालक पनीर बच्चों की फरमाइश से। तो सबसे पहले पालक को छाट के इसकी पूरी डंठल हमें नहीं कट करना है, तो यहाँ पे ये जो डंठल है जो खराब हो जाते हैं थोड़े से, तो उतना ही हमें निकाल, तरीके की पालक को ही चुनिएगा और इस तरीके से फ्रेश होगा। तो सारे पालक को हम इसी तरीके से फटाफट चुन लेते हैं पहले। तो सारे पालक को हमने इस तरीके से छाट लिया है और इसे अच्छे से खड़े धो लेते हैं पानी से। इसे चार पानी धुल लिए हैं एक बड़े से बर्तन में लेके, देख सकते हैं पालक अच्छे से धुल गया, बहुत अच्छा साइन आ गया। तो इसे साइड में रखते हैं और गैस पे चलते हैं फटाफट। गैस पे रखेंगे कढ़ाई और गैस को ऑन करेंगे। बर्तन थोड़ा बड़ा सा लेंगे और इसमें 1 लीटर के करीब हम पानी डालेंगे इसके अंदर। पानी में के अंदर 1 चम्मच चीनी डालेंगे। जी हाँ, आप कहोगे चीनी तो इससे क्या होगा कि पालक में बहुत अच्छा कलर आएगा, जब पालक पनीर हम खाएंगे तो टेस्ट के साथ साथ कलर पर चीनी डाल के जरूर देखिएगा। पानी में बबल्स आने लगे हैं, तो सारे पालक को हम पालक को हमें लंबे टाइम तक कुक नहीं करना है, इसमें सिर्फ 2 मिनट करना है। 1 मिनट के बाद हम इसको तुरंत पलटेंगे, तो इसे 1 मिनट के बाद हम पलट लेंगे। 1 मिनट हो गया है, देख सकते हैं बहुत जल्दी पालक सॉफ्ट होते हैं। तो 1 मिनट इधर से भी हो गया है, देख सकते हैं चीनी डालने के बाद कितना बेहतरीन कलर आया हुआ है। तो फटाफट रख लेंगे आइसिंग वाली पानी और इसी के अंदर हम डाल देंगे पालक को, जिससे ओवर कुक ना हो, इसे तुरंत चिल्ड करना है, टेम्परेचर डाउन करना है। तरीके से 2 मिनट तक हम छोड़ देंगे टेम्परेचर डाउन होने के लिए। काफ़ी ये ठंडा हो गया है, तो इसे हम क्या करेंगे, लेंगे हाथों पे और सारा पानी इसके अंदर का हम निचोड़ देंगे, एकदम अच्छे टाइट हाथों से हम निचोड़ेंगे, बिल्कुल इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। देखिए निचोड़ेंगे एक बॉल की तरह, बिल्कुल बॉल का शेप बन जाएगा। पानी को अच्छे से निचोड़ लिए, तो मिक्सर जार के अंदर हम इसे डाल देंगे। उसके बाद ले लेंगे धनिया पत्ता डंठल के साथ, हरी मिर्च को तोड़ के इसके अंदर डाल देंगे, 4 लहसुन की कली ले लेंगे, 1 चम्मच इसमें सरसों तेल जरूर डालिएगा। इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है, पानी भी नहीं डालना है, एकदम बारीक फाइन पेस्ट बना लेते हैं, पीस लेते हैं। तो इसे हमने पीस लिया, एक बार खोल के चेक करेंगे, देखिए कितना बेहतरीन कलर आया हुआ है और इस तरीके का होना चाहिए। साथ ले लेंगे छोटा वाला मिक्सर जार और इसमें लहसुन और अदरक को हमने बारीक चॉप कर लिया, 3 से 4 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक कट। 1 चम्मच ले लेंगे जीरा, 6 काजू ले लेंगे, आप चाहो तो पानी में इसे भिगो के भी ले सकते हैं। 2 चम्मच के करीब पानी डालेंगे और बारीक पेस्ट बना लेते हैं। इसे भी चेक कर लेते हैं, देखिए इस तरीके का होना चाहिए पेस्ट, तो इसे भी हम साइड में करते हैं। सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे हम कढ़ाई। कढ़ाई को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। कढ़ाई अच्छे से गरम हो गई है, तो 2 से 3 चम्मच के करीब हम ले लेंगे सरसों तेल। अच्छे से गरम हो जाए तो इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के देसी घी। आप चाहो तो पालक पनीर को देसी घी में भी बना सकते हैं, एक साथ दोनों डाल सकते हैं। यहाँ पे खड़े मसाले ले लिए हैं, अजवाइन है, जीरा है, तेजपत्ता है, हरी मिर्च है, दालचीनी का टुकड़ा है, तो सारे चीज़ों को अच्छे से चटका लेते हैं, स्पैचुला से हम चला लेते हैं। हमने ले लिया है 2 बड़े साइज के प्याज को बारीक चॉप कर लिए, इसे भी डाल देंगे। साथ हमने बारीक लहसुन
को भी काट लिया है, 3 से 4 लहसुन को, तो इसे भी हम डाल देंगे। लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, लहसुन को भी कलर लेके आना है। यहाँ पे फ्लेम हम हाई रख देंगे थोड़ा देर के लिए, और बीच बीच में इसे हम चला कैसे हो जाए, तो जो हमने काजू वाले पेस्ट को पीस के रखा है लहसुन अदरक के साथ, तो इसे हम भी हम डाल देंगे। फ्लेम लो कर देंगे, खंगाल के हम डाल देते हैं। काजू चपकने लगता है तो फ्लेम हम मीडियम और लो के बीच में रखेंगे। हमने 2 टमाटर को इस तरीके से काट लिया है, और यहाँ पे हम इसी के अंदर डाल देंगे। आप चाहो तो टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इजी है और इसका अलग ही टेस्ट आते हैं, एक बार जरूर। इसके बाद थोड़ा हम नमक डाल देंगे इसके ऊपर, ताकि टमाटर जल्दी से कुक हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके पे लिड लगा देते हैं, लिड लगा के हम 1 मिनट तक लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं। 1 मिनट हो गया है तो इसे खोल के हम चेक कर लेते हैं। टमाटर को एक बार हम पलट लेते हैं इस तरीके से, बहुत जल्दी सॉफ्ट होने लगते हैं। करने के बाद 1 मिनट इधर भी लिड लगा के हम छोड़ देते हैं, इसे हम खोल के चेक करेंगे। हम एक बार पलट लेते हैं, टमाटर के छिलके सॉफ्ट हो गए हैं, तो सारे छिलके हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं छिलके सारे। सारे मसालों को हम इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं, और टमाटर को स्पैचुला से इस तरीके से दबाएंगे, जिससे आसानी से ये इसी के साथ गल जाएगा। बहुत जल्दी ही गल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर हम टमाटर इस तरीके से, टमाटर देख रहे हैं अच्छे से गल गया है, पता ही नहीं चल रहा है कि टमाटर कहाँ है। स्टेज पे ले लेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, आपके अनुसार मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाले, 1 चम्मच से कम आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च, जिसे परफेक्ट कलर आए। मसालों को करेंगे अच्छे से मिक्स। फ्लेम हम लो रखेंगे, 1 चम्मच के करीब इसके अंदर हम पानी डालेंगे, ताकि इसका सारा कच्चा मसाले अच्छे से भून गए हैं। तो जो हम पालक को पीस के रखे हैं बगैर पानी का, इसी तरीके से हमें डालना है। अभी पानी वाली कुछ भी नहीं डाल लेंगे, क्योंकि हमें पालक को भी भूनना है अच्छे से मसालों के साथ। मसालों के साथ पालक को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसे हमें भूनना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने नमक नहीं डाला है, तो इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 मिनट होने के बाद जो मिक्सर के पानी को खंगाल के हम इसके अंदर डाल देंगे, अच्छे से करेंगे मिक्स। फ्लेम मीडियम और लो के बीच में रहेगा। स्टेज पे ले लेंगे कसूरी मेथी, पालक पनीर में एक बार कसूरी मेथी जरूर डालिएगा, तो हाथों से क्रश करके हम इसके अंदर इसी स्टेज पे डाल देंगे। अब इसे लिड लगा देते हैं 1 मिनट। पालक को मसाले के साथ भून रहे हैं, तब तक हमने ले लिया है यहाँ पे पनीर 250 ग्राम है। तो पनीर को कोई सेप नहीं, आप जैसे मर्जी वैसे कट कर सकते हैं। तो हम काटेंगे इस तरीके से पनीर को, थोड़े से बड़े बड़े पीस रखेंगे। इस तरीके से लेंगे और इसमें इस तरीके से कट कर देंगे। सारे पनीर को हमने काट लिया है। यहाँ पे 1/2 कटोरी मैंने फ्रेश दही ले लिया है, और इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाले, अच्छे से करेंगे मिक्स, जिससे दही फटे ना। आप चाहो तो मैगी मसाले या जो मसाले आप भून रहे हैं उसमें से भी आप डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छे से हम फेट मसाले को हम चेक करते हैं फिर से। हम लो रखेंगे और इस तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए, आप चाहो तो मसाले के साथ या पालक डालने के बाद भी दही मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके अंदर हम फ्लेम आप चाहे बंद करके करिए या लो पे भी। तो इस तरीके से करने के बाद हम अच्छे से इसके अंदर
दही को करेंगे मिक्स। इससे क्या होगी, दही बिल्कुल नहीं फटेगी क्योंकि हमने पहले ही गरम मसाले इसके अंदर डाल दिए। तो अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। देखिए ये पालक पनीर जब आप किसी को खिलाएंगे ना तो पूछेंगे कैसे बनाया। टाइम तो लगता है लेकिन मेरी गारंटी है कि इतनी बेहतरीन टेस्ट आती है कि सब लोग इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो हो गई मिक्स, तो इसे हम ढक देते हैं लो फ्लेम पे। पालक मसाले के साथ भून रहे हैं तो हम पनीर को कच्चा नहीं डालेंगे, तो उसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसे साइड में, दूसरी साइड गैस पे करते हैं। मसाले को हम चलाते रहेंगे, इस साइड रख देंगे तवे को। नॉन स्टिक तवा आपके पास जो है वो ले लीजिए या फ्राई पैन ले लीजिए। तो इसे हम कर लेंगे अच्छे से लो फ्लेम पे गरम। एक चम्मच ले लेंगे देसी घी और चारों तरफ हम इस तरीके से कोट कर देंगे इसके ऊपर। आप चाहो तो बिना घी का भी कर सकते हैं। इसके ऊपर पनीर को हम इस तरीके से डाल देंगे। पनीर को हमने डाल दिया है, इसे लो फ्लेम पे 2 मिनट तक छोड़ देंगे। 2 मिनट हो गया, चाहे इस तरीके से टोस्ट करिए या इस पेचला से इस तरीके से हम पलट लेते हैं। तो देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है ना। तो फटाफट हम सारा पनीर को पलट लेते हैं। इस तरीके से हमने पलट लिया है, इधर भी 1 से 2 मिनट हम छोड़ देंगे। अच्छे से हो जाएगा चारों। ये रेडी हो गया है तो इसे एक बर्तन में फटाफट निकाल लेते हैं। पालक को हम अच्छे से चेक कर लेते हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसे बीच बीच में हम चलाते भी थे। देखिए पालक से बहुत अच्छे से भून चुका है। अब इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है, परफेक्ट भून के इसके अंदर डालेंगे 1 गिलास हम पानी। आप कम ज़्यादा अपने फैमिली के हिसाब से कर सकते हैं। तो पहले हम 1 गिलास पानी डाल के इसे अच्छे से चला लेंगे। बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, पालक पनीर थोड़ा सा सूखा ही टाइप अच्छा लगता है। पानी डाल देंगे बस 1 गिलास और 4-5 चम्मच के करीब इस तरीके से, और इसे मीडियम रखेंगे और 8 से 10 डंठल के धनिए के डाल देंगे, जिससे धनिया के डंठल डालने पे बहुत अलग लुक आता है और टेस्ट भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से, और इसे हम मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाएंगे। ये नहीं कि उबाल आ जाए और झट से पनीर डाल दिए, ऐसा नहीं है। आप धीमे धीमे आंच पे 5 मिनट पकाइए और फिर देखिए इसका क्या। 5 मिनट कुक होने के बाद इसके अंदर हम पनीर को डाल देंगे इसी स्टेज पे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। देखिए डाल देंगे फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ता। तो ये रेडी हो गई है पालक पनीर, इतनी बेहतरीन। इसे रोटी के साथ, कुलचे के साथ, नान के साथ या चावल के साथ आप इंजॉय करिए, बहुत बेहतरीन होगा। देख सकते हैं इतनी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। पनीर जैसे हो जाए तो एक बेहतरीन सा उसके लिए तड़का लगाएंगे। तो तड़का पैन रख लिए, अच्छे से गर्म हो जाए तो 1/2 चम्मच देसी घी ले लेंगे। इसके अंदर जाएगा जीरा, बारीक कटे हुए लहसुन और लाल मिर्च का अच्छा सा कलर आ जाए तो कश्मीरी लाल मिर्च डाल के गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। तड़का हो गया है रेडी। बाउल्स रखेंगे और फटाफट सर्विंग बाउल में हम निकालते हैं पालक पनीर को। इस तरीके से पालक पनीर जिसको लगाएंगे खाने के बाद पालक पनीर के दीवाने हो जाएंगे। ऐसे बाउल्स में निकालेंगे, ये तड़का जो हम बना के रखे हैं इसके ऊपर हम डाल देंगे। उसके बाद घर की ही फ्रेश मलाई हम थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे, जिससे देखने में भी बेहतरीन लगे और जब खाएं